Sponsored by 7Tree. Plywood, WPC doors, frames, edge band tapes. तेलंगाना में सब्जी की खेती करने की बना रहा बड़ी योजना। हर रोज हम सब्जी की दुकान पर जाकर या ठेले वाले से सब्जी खरीदते हैं, लेकिन कभी सोचा है ये सब्जियां आती कहाँ से हैं? आपकी थाली में जो सब्जियां पहुंचती हैं, वो ज्यादातर आसपास के इलाके जैसे कि रंगारेड्डी, विकाराबाद और संगारेड्डी से शहर में आती हैं। निकटवर्ती रंगारेड्डी में सब्जियों की फसली 28,000 एकड़ के क्षेत्र में 34,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के उत्पादन के साथ उगाई जाती है, जबकि विकाराबाद में वो 25,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के उत्पादन के साथ 20,000 एकड़ के क्षेत्र में उगाई जाती है। संगारेड्डी में 13,000 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ 12,000 एकड़ के क्षेत्र में इसकी खेती होती है। बागवानी विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में रंगारेड्डी, विकाराबाद और संगारेड्डी में कुल 74,000 एकड़ में सब्जी की खेती की जा रही है, जबकि अनुमानित क्षेत्रफल 1.51 लाख एकड़ है, जो हैदराबाद की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 50% का अंतर है। और इस अंतर को पूरा करने के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य जैसे कि पड़ोसी राज्यों से सब्जी आयात की जा रही है। सब्जी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बागवानी विभाग जीडी मेटला और अधिकांश मुलुगु क्षेत्र में स्थित अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सुविधाओं के माध्यम से किसानों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर कई उपाय कर रहा है। किसानों से अनुरोध के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा विभाग गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने में किसानों की मदद करने के लिए किसानों को 5,000 से 10,000 उच्च गुणवत्ता और रोग मुक्त पौध की आपूर्ति भी कर रहा है। रंगारेड्डी में सब्जियों की उपज याचरम, इब्राहिम पट्टनम, महेश्वरम और सादनगर क्षेत्रों में उगाई जाती है। तेलंगाना निजामाबाद, नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट।